हमारे आदमी के अलावा कोई हमारे ऊपर हाथ डाले, हमारी इज्जत इतनी फालतू नहीं है, हमारी इज्जत बचा लीजिए प्लीज, हमारी इज्जत बचा लीजिए। यही प्रार्थना है मेरी दोनों से, योगी जी से और मोदी जी से, इतना ही कहना चाहूंगी। मुझे सबसे पहले मेरी एक बेटी है, उसमें थोड़ा सा माइंड काम है। मैंने कहा अगर मुझे कुछ हो गया तो उस मेरी बच्ची का ध्यान कौन रखेगा। जब देखा कि 4:30 5 जब बच चुके हैं, टाइम बीतता जा रहा, जब मैंने उन्हें कॉल करा, कह रहे तुम लोग आए नहीं हो, कह रहे मैं तो सोचा आ गया। मैंने कहा शायद तुम ये मेरी आखिरी आवाज़ सुन रहे हो। कह रहे ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा जी ऐसा से बात हो रही है। मैंने कहा मुझे तुम्हारी आखिरी आवाज़ सुनी थी, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भी कॉल लगाई वहाँ से, पर कॉल नहीं लग पा रही, मेरे बच्चों से मेरी बात की। बस ये था कि मैं कैसे न कैसे अपने बच्चों के पास पहुँच जाऊँ। हस्बैंड ने भी कुछ दिलासा दिया आपको या आपसे क्या? हस्बैंड खुद इतना डर गए थे कि मुझसे कॉन्टेक्ट करने की बार बार कोशिश कर रहे थे, पर आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ का जो नेटवर्क शायद पता नहीं बंद कर दिया गया था या क्या कर दिया गया था, मुझे नहीं पता। तो बच्चों को फेंक के और महिलाओं को खेतों में खींच के लेकर गए। महिलाओं को खेतों में? हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ खेती थी, वहाँ पे चारों तरफ खेत थे और खेतों में खींच के लेके गए हैं उनके, क्योंकि साड़ियाँ खिंचती हुई तो मैंने भी देखी, पर जब हम लोगों ने सिचुएशन देखी तो हम लोग मंदिर की साइड अपने लोग जान बचाने के लिए भागे हैं। पहले उन्होंने जवान लड़कियों को ही टारगेट बनाया। अच्छा, आप बस में गए थे या कार में गए थे? हमारी इको गाड़ी थी, अभी हमें नहीं पता उस गाड़ी का। गाड़ी का ही नहीं पता? गाड़ी का ही नहीं पता, क्योंकि हम तो प्रशासन की बस में आए, गाड़ी का ही नहीं पता हम लोग।